समता टीवी चैनल से संवाददाता मनोज चौहान गुजरात से आते सोमनाथ जिले नवे विधानसभा को लेकर आज हम एक उम्मीदवार को मिल रहे हैं। मुस्लिम समाज से गरीबों के मसीहा है, लोकप्रिय नेता है, उसका नाम आज हम आपको बताएंगे। टांग यूसुफ भाई रहमान जी से हम बातचीत करेंगे कि आपको अपक्ष में फॉर्म भरवाने की क्यों जरूरत पड़ी। हमको अपक्ष फॉर्म भरवाने की यूँ जरूर पड़ी है कि हमने वो सोमनाथ महत्व स्तर से टांग यूसुफ भाई रहमान ऐसे उम्मीदवारों को हमको किसी कांग्रेस भाजप से कोई दबाव में आकर किसी के कहने में अगर हमने उम्मीदवार नहीं भरे, हमने उम्मीदवार इसीलिए भरी है कि यहाँ के विकास और यहाँ के उसके लिए हमने मक्कमता से हमारी उम्मीदवारी भरी है। और मैं आपसे दूसरा ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर धारा सभ्य बन गए तो आप अपने समाज के लिए प्रजा के हित में क्या काम करेंगे? हम जो धारा सभ्य यहाँ से बन गए तो हम यहाँ के जो पब्लिक का हित है वही हमारा हित है। यहाँ गटर दौर और रोड और पानी उसके हिसाब से यहाँ के स्कूल का कोई संचालन, प्राइवेट स्कूल है उसमें फीस जाती लेती है, सरकारी कोई स्कूल है नहीं। और हम लोग पब्लिक के हित में लेकर, हम पब्लिक को साथ लेकर, उनका हित लेकर चले, कोई राजनीति के साथ हम दबाव में आकर कोई भी जात का काम नहीं करेंगे जी। आज हम उसके सपोर्टर के साथ भी बातचीत करेंगे जी। आपका परिचय जी। मेरा नाम रमजान ईसा गरीब शाह है, उर्फ मुन्ना भाई, न्यू सोमनाथ विस्तार से मैं एक मतदाता हूँ और सोशल वर्कर हूँ। और ये जो न्यू सोमनाथ विस्तार में से जो टांग यूसुफ भाई रहमान ने उम्मीदवारी जो ढूंढाई है, उसके उम्मीदवारी का मतलब ये है एक्चुअली के जहाँ पे वो ढेर सालों से कांग्रेस भाजप को मुस्लिम समाज मत देते आई है, अगले ये लास्ट वाले ड्रम में भाजप ने बोला हम लोग अब मुस्लिम विस्तार का डेवलप करेंगे और आपके विस्तार का काम करेंगे और आपके साथ चलेंगे, तो लास्ट में भाजप को भी हम लोगों ने ढेर सारे मत दिए भाजप पक्ष को और उसको भी चुटा के लेके आ गए। फिर कांग्रेस को तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही 35-40 साल मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कभी भी कोई डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पे पानी की, लाइट की, गटर की और शिक्षण की सारी चीजों की बहुत ही एक्चुअली तकलीफ है। और ये हम लोग किसी पक्ष के लिए नहीं भाजप के लिए, नहीं कांग्रेस के लिए, ये हम लोग गरीबों की लड़ाई के लिए उम्मीदवारी नोदाई है यूसुफ भाई टाक ने, और हम लोग इसके सपोर्टर है। और इंशाल्लाह हम लोग जब जीत के आएंगे तो हम लोग मुस्लिम समाज के अंदर जितने भी डेवलप काम पेंटिंग पड़े हुए हैं वो उसकी हम लोग जवाबदारी लेंगे। और हम किसी राजनेता को या किसी और को नहीं बल्कि लोकल पब्लिक को साथ में ले के जाके जो कुछ भी काम पेंटिंग पड़े हुए है एक्चुअली उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह सारे मुस्लिम डेवलप हम लोग मतदान एकता से करेंगे और यूसुफ भाई टाक को विजेता बनाएंगे। और मैं आपसे आपको हमारे समता टीवी चैनल न्यूज के जरिए आपको आप कुछ बताना चाहेंगे, जनता को अपील करना चाहेंगे जो आने वाले चुनाव का मतदान जो होगा 9 तारीख को दिसंबर पर। मैं समता मीडिया से आज एक सोशल मीडिया से ये प्रचार करना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से हम लोग मुस्लिम समाज ने एक्चुअली मतलब कांग्रेस की भाजप की ये समझ लो कि बहुत गुलामी की है, गुलामी ऐसे जैसे कि हम लोग अभी जो रह रहे हैं विस्तार में तो बाहर के लोग आते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग तो जहाँ रह रहे हो वो रेसिडेंट नहीं, लगता है झुप्पड़पट्टी है। इसीलिए मैं न्यू सोमनाथ विधानसभा से मतदारों को ये उम्मीद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो यूसुफ भाई रहमान टाक अभी उम्मीदवारी अपक्ष से नोदाई है, जिसका कर्म नंबर है बाहर, जिसका निशान एयर कंडीशन है, मैं सारी जनता से यही विनंती करता हूँ कि यूसुफ भाई रहमान एकदम सोशल वर्कर है और दवाखाने में एक्चुअली हॉस्पिटल में और बीपीएल कार्ड है, विधवा सहाय है, मतलब वृद्ध पेंशन है, उन सारे सारे काम सामाजिक काम उन लोग ने किए हैं यूसुफ भाई टाक ने, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है यहाँ विस्तार में और एक्चुअली गरीबों को बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं सारे जनता से यही विनती करूंगा कि आप जितना भी हो सके उतना यूसुफ भाई रहमान टाक को मतदान कीजिए और इन्हें आगे बढ़ा कर एक क्रांतिकारी नेता पैदा करके अपनी एकता दिखाइए जी। कैमरामैन कौशल बोध के साथ संवाददाता मनोज चौहान की खबरें जारी रहेगी।